एवरीवन, वेलकम टू G99। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपने 13.1 में पढ़ा होगा। व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन विद एफ था, तो हम उसको कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज डिवाइडेड बाय दिस एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो टू बी रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर किसी टर्म का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, दैट शुड बी नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां से हम, हमारे पास अगर टू इवेंट्स थी ई और एफ, उसके लिए ये फॉर्मूला था, अगर मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू बी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई विद एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो हमारे पास टर्म आई टू इवेंट्स की। अब मुझे थ्री इवेंट्स और मोर इवेंट्स के लिए निकालनी हो, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को कैसे ड्राइव करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मैंने यहां पे तीन इवेंट्स को कंसीडर किया है, ई एफ जी। ठीक है, तो हमें यहां से तो पता है कि ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे मैंने क्या लिखा है, ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को एज इट इज लिखा है इनटू। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई, रिवर्स में जाएंगे, इसको जरा ध्यान से करना। यहां पे मैंने अगर एफ के साथ लिखा है तो एफ लिखेंगे, अगर ई के साथ आपने लिखना है, आपको वो भी पता है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखेंगे हम, तो ये वाला ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन विद ई, इसकी पिछली वाली के साथ कंडीशन आ गई, इंटू प्रोबेबिलिटी, अब मुझे जी की लिखनी है, तो जी की क्या हो जाएगी, इस कंडीशन विद ई इंटरसेक्शन एफ, यस, ओके। आगे फिर से इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ई जैसे हमने यहां पे लिखा ई इंटरसेक्शन एफ को एफ वी के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ई एफ। ओके, तो ये आपके आगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी एफ विद ई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिव कंडीशन विद ई एफ। ओके, इसी को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कैसे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मुझे कितने कार्ड्स निकालने हैं, थ्री, विदाउट रिप्लेसमेंट द पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। ठीक है, तो 52 के कार्ड्स, मैं आपको पता पैकिंग में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, मुझे कितने निकालने हैं, थ्री कार्ड्स। उसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, तो मुझे क्या निकालना है, टू कार्ड्स किंग के निकालने हैं और थर्ड वन कौन सा निकालना है, एस। अब देखो मेरे पास थ्री इवेंट्स हो गई, कितने कार्ड्स निकालने हैं हमने, थ्री। ठीक है, तो लेट के डिनोट्स इवेंट के, किस इवेंट को डिनोट कर रहा है, दैट द कार्ड इज ड्रॉन अ किंग, मुझे किंग निकालना है, तो उसकी क्या आ जाएगी, के डिनोट कर दिया, एंड ए डिनोट्स द इवेंट, किस इवेंट को डिनोट कर रहा है, दैट द कार्ड इज ड्रॉन एनीस। ठीक है, और एक बात आपने यहां पे ये जरूर हाईलाइट करनी है, जो अंडरलाइन करनी है, इनको माइंड में रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर आप एक कार्ड निकालोगे तो बाकी आप उसमें वो वाला कार्ड दोबारा नहीं डालोगे। ठीक है, तो यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्लियरली वी हैव टू बी फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए किंग सेकेंड बी किंग एस। ठीक है बच्चे, अब पहले हमें, आपको पता होना,
वाले क्या वाले हो, आपको थ्री इवेंट्स की बताई थी ना, के मतलब दैट मीन्स के इंटरसेक्शन ए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के थ्योरम लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ए, उस थ्योरम से आपको पता है पहले आपको पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, ओके, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन के, ये के की कंडीशन प्रोबेबिलिटी प्रीवियस के साथ, ओके। तो एक ट्रिकी हो जाएगा आपको, पहले ये वाला के आपने लिखा, फिर ये वाला के लिखा, तो इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी इसके साथ, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी इन दोनों का प्रोडक्ट के इंटू के, ओके। अब ये टर्म्स हमें निकालनी है, वो देखो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कितने कार्ड्स की पैकिंग होती है, 52, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए यहाँ पे, 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, कार्ड्स 52, और किंग कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग दैट इज 4, ठीक है, नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड मतलब जी ये वाला के कौन सा है, ड्रॉ अ कार्ड ऑफ किंग, मुझे कौन सा कार्ड निकाला मैंने, किंग का, तो वो कितने हैं, 4 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 52, ओके। तो अब सेकंड वाला कार्ड निकालेंगे, अब आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला आपने जो मैंने लिखा उसको नंबर 1 करके आपने डाल देना, हम लास्ट में वैल्यू डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो के फर्स्ट की वैल्यू आ गई, सेकंड में मुझे क्या निकालना है, के कंडीशन विद के, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ड्रॉ अ कार्ड ऑफ किंग, अगेन मुझे किंग ही फाइंड आउट करना है। अब देखो रिप्लेसमेंट की बात यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने रिप्लेस नहीं करना, तो रिप्लेस नहीं किया तो आपके पास जो कार्ड थे 52 में से 1 आपने निकाल के रख लिया, तो टोटल आपके पास 51 बचे, और यहाँ पे 4 कार्ड 4 किंग थे आपने निकाल लिया हुआ, तो अब आप कितने बचेंगे, 3, ओके। तो ये कितनी कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई के विद के। अब लास्ट वाली कौन सी आएगी आपके पास, के की किसके साथ आएगी आपके पास, एस के साथ, ओके। तो के की ए के साथ क्या आ जाएगी, यहां पे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के वो क्या जाएगी, अब आपको पता है एस तो 4 ही होते हैं, ठीक है, बट टोटल कितनी आप प्रोबेबिलिटी अब किसकी निकाल रहे हो, ड्रॉ अ कार्ड ऑफ एस। अब देखिए टोटल कितने बजे आपके, अब आपने 2 कार्ड निकाल लिए 52 में से, कितने रिमेनिंग बचे, 50। अब कार्ड एस के कितने होते हैं, 4/50, ये 3 वैल्यू जो हमने फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिखा था प्रीवियस में, अब हम वहीं पर डालने वाले हैं, यूजिंग ऑल दिस वैल्यू 1, 2, 3 जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था हमने, अब उसमें हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें बोला गया था वो क्या आई हमारे पास, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ के जो हम फाइंड आउट करने वाले थे, क्या प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए, उसको कैसे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के विद के कंडीशन विद के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विद के, ओके। यही थी हमारी ए क्वेश्चन, डाल देना फर्स्ट कुछ भी डाल देना। अब इसमें मैं सारी वैल्यूज डाल रही हूँ, के की वैल्यू कितनी आई, 4/52, के की कितनी आई, 3/51 इंटू 4/50, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। टू टू जा 4, 25, 2 जा 50, 2 जा 4, 26, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 ये भी कट जाएगा, 2, 13, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा, 3 टू जा 6, ये 3 से 3, 17 जा, ऊपर कितना बचा, 2, 13 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2/5, 5, 2, 5।
दिस इज द रिकॉर्ड. आई थिंक ये आपको वीडियो काफी हेल्प करेगी. थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग.